नवोदय विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बातें करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की व्यवस्थाओं के अलावा नवोदय में और भी तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सारी सुविधाओं को हम 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके समझने वाले हैं। पहला, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा, रहने से संबंधित क्या सुविधाएं हैं वहाँ। तीसरा, खाने से संबंधित सुविधाएं क्या हैं, खाने की क्या व्यवस्था है। चौथा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपके बच्चों को कैसे रखा जाता है, उन्हें क्या सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। और पाँचवा, जो कि अन्य विद्यालयों से नवोदय विद्यालय को अलग बनाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द्रोण स्कूल। जो सबसे पहली चीज आती है स्कूलों के बारे में, सबसे जरूरी चीज, वो है एजुकेशन। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि किसी भी नवोदय विद्यालय में, हर एक नवोदय विद्यालय में ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को फ्री में किताबें दी जाती हैं, कॉपियां दी जाती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज़। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, म्यूज़िक आर्ट से संबंधित चीज़ें भी प्रदान की जाती हैं बच्चों को। नवोदय में एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, जिसमें से कोई भी स्टूडेंट जब चाहे कोई भी पुस्तक इशू करा सकता है और पढ़ सकता है। नवोदय विद्यालयों में इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में पढ़ाई होती है। और अगर डीप में इसको समझें तो नवोदय में 3 भाषाओं का कॉन्सेप्ट है। पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा कोई भी क्षेत्रीय भाषा। जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़, तमिल, तेलुगु जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई की जाती है। मैं समझता हूँ कि आप में से अधिकतर व्यूअर्स हिंदी भाषी ही हैं और आप में से अधिकतर नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि नवोदय विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है, नॉर्थ इंडिया की अगर मैं खास कर बात करूँ, तो उसमें 9th से लेकर के फिर 12th तक पढ़ाई जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। और अगर हम 6th से 8th तक की बात करें तो उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि पढ़ाई दोनों मीडियम्स में होती है, विद्यार्थी जिस मीडियम में चाहे पढ़ सकता है। 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट को अपना एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है। जैसे किसी ने मैथ्स ले लिया, किसी ने बायो ले लिया, किसी ने कॉमर्स लिया और किसी ने आर्ट्स ले लिया, तो 10th के बाद विद्यार्थियों को अपनी अपनी स्ट्रीम्स का चयन करना पड़ता है। अब आते हैं अपने हम दूसरे पॉइंट पे, रहने की क्या सुविधा है। सबसे पहला डाउट जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या ये फ्री है? जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। नवोदय विद्यालयों में हॉस्टल्स की सुविधाएं भी हैं। नवोदय विद्यालयों में कुल मिलाकर के 12 हॉस्टल्स होते हैं, जिनमें से 4 लड़कियों के लिए और 8 लड़कों के लिए। जो 8 हॉस्टल्स लड़कों के लिए होते हैं उसमें 2 डिवीज़न होता है, एक सीनियर्स के लिए और एक जूनियर के लिए। जूनियर यानी कि 6 से 8 तक के बच्चे और सीनियर्स यानी कि 9 से 12 तक के बच्चे। तो इस तरह से हॉस्टल की 3 कैटेगरी आप मान कर चलिए, एक गर्ल्स की, एक जूनियर बॉयज़ और एक सीनियर बॉयज़ की। इन तीनों कैटेगरी के हॉस्टल्स के लिए 4-4 बिल्डिंग्स होती हैं, जिनका नाम उदयगिरी, नीलगिरी, अरावली और शिवालिक होता है। और हर एक बिल्डिंग में 48 सीटें होती हैं, यानी हर बिल्डिंग में 48 बच्चों को रहने की जगह होती है। हमारा अगला पॉइंट है कि खाने की क्या सुविधा है। तो रहने और पढ़ाई की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है। नवोदय में मेस यानी कि भोजनालय की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। दिन में बच्चों को 3 टाइम खाना दिया जाता है, सुबह 8 बजे नाश्ता, 1 बजे दोपहर का भोजन और फिर 8 बजे रात का भोजन। और इसके अलावा 2 बार दिन में स्नैक्स भी दिए जाते हैं। 1 बार 11 बजे के आसपास दूध दिया जाता है और फिर शाम को 6 बजे के आसपास चाय के साथ कुछ स्नैक्स और भी दिए जाते हैं। खाने की सुविधा नवोदय में ठीक है, लगभग घर जैसी ही है। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है सिक्योरिटी का। नवोदय में जब बच्चा जाता है तो वो 10-12 साल का होता है, अधिक से अधिक 13 साल का। अब इतना छोटा बच्चा, तो माता पिता को अक्सर ये चिंता रहती है कि वहाँ सेफ है या नहीं, उसकी देखभाल कौन कर रहा है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि नवोदय के विद्यार्थी एक 25 एकड़ के कैंपस के अंदर ही रहते हैं, बिना उनके गार्जियन के आए, बिना परमिशन लिए उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है, और न ही कोई बाहरी आदमी बिना परमिशन के अंदर आ सकता है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ कि हर एक हॉस्टल बिल्डिंग्स के लिए 2-2 हाउस मास्टर्स नियुक्त किए गए रहते हैं, जो 24 घंटे बच्चों की देखभाल करते रहते हैं।
तो इस तरह से बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट है नवोदय विद्यालय, और माता पिता को सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ गार्जियंस लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर के खासा परेशान रहते हैं, तो आपको बता दें कि लड़कियों के लिए अलग से वार्डन नियुक्त की गई होती हैं जो उनकी देखभाल करती रहती हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये ऐसी चीज़ है जो नवोदय विद्यालयों को अन्य विद्यालयों से अलग बनाती है। देखिए, इतना तो आप सब समझते हैं कि आजकल सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलने वाला है। जब तक स्टूडेंट की पर्सनालिटी में निखार नहीं आएगा, वो मिलनसार नहीं होगा, खेलेगा नहीं, म्यूज़िक में नहीं भाग लेगा और एक आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं डेवलप करेगा, तब तक सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। तो नवोदय विद्यालयों में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पहली बात, नवोदय विद्यालयों में उत्सव और त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, बेहतर तरीके से मनाए जाते हैं। दूसरी बात, रोज़ की प्रेयर असेंबली में बच्चों को अपने थॉट्स, न्यूज़, स्पीच ऐसी कई सारी चीज़ें प्रस्तुत करनी होती हैं, तो इससे उनका स्टेज फियर दूर होता है, बच्चों का भय खुलता है। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उसके लिए अधिकतर नवोदय विद्यालयों में MP हॉल होता है और बच्चे वहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालयों में स्पोर्ट्स की सुविधाएं मौजूद हैं। म्यूज़िक और आर्ट में भी नवोदय विद्यालय के बच्चे खासा इंटरेस्ट लेते हैं और उनके शिक्षक उनको गाइड भी करते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो खेलने की सारी चीज़ें उनको फ्री में इशू की जाती है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट किट, बास्केटबॉल इत्यादि, ये सारी चीज़ें उन्हें फ्री में इशू की जाती हैं और उनके खेलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित होता है। उसी तरह से अगर हम आर्ट की बात करें तो उन्हें आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे पेंटिंग मटेरियल्स, ब्रश, स्केच पेंसिल्स इत्यादि। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और म्यूज़िक टीचर उन्हें सीखने में बच्चों की मदद करता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो छूट रही हैं मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी भी इमरजेंसी पड़ने पर नवोदय विद्यालय में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए, जैसे बुखार हो गया, उल्टी दस्त आ रही है, तो नवोदय विद्यालय में फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा डेली यूज़ के आइटम्स जैसे ब्रश, तेल, नील, सर्फ, साबुन, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं बिल्कुल मुफ्त में। अगर हम बात करें ड्रेस की, तो बच्चों को साल में 4 जोड़ी ड्रेस मिल जाते हैं। ठंडियों के दिन में स्वेटर और ब्लेज़र दिए जाते हैं। 2 जोड़ी जूते मिल जाते हैं साल भर में। तो ये सारी सुविधाएं नवोदय में बच्चों को दी जाती हैं। इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है कि नवोदय विद्यालय, कोई भी नवोदय विद्यालय बाहर गाँव के विद्यालयों से कई गुना बेहतर है, और ऐसे विद्यालय में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। नवोदय विद्यालयों के एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए बच्चों की तैयारी कराएं और अपने बच्चों का जीवन सफल बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नवोदय विद्यालयों के बारे में, वहाँ की सुविधाओं के बारे में और वहाँ की रहन सहन माहौल के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करूँ, आपसे डिटेल में डिस्कस करूँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आपके कोई भी सुझाव और डाउट हों तो उन्हें भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।